सो बजे रात की 11:30 और मैं किचन में आ गई हूँ शोएब के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि शोएब का मैसेज आया कि वो निकल गए हैं और रास्ते में हैं। तो यू नो सब्जी वगैरह चलो दीदी बना के चली जाती हैं, हालांकि रात की जो एक सब्जी होती है वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ या एटलीस्ट मैं बताती जाऊँ और धर्म दादा बनाए, आजकल यूजली वही होता है। लेकिन जो रोटी होती है ना वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि शोएब आए उससे जस्ट पहले मैं गर्मा गर्म फ्रेश रोटियां उनको बना के दूं। पता नहीं मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ चलो ताज़ एकदम फ्रेश गर्मा गर्म रोटी मिले तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बड़े पूरे दिन की मेहनत की, इतने थके हारे जब घर आते हैं तो इसे ताज़ी ताज़ी प्यार से बनाई हुई रोटियां मिले तो एकदम और अच्छे से खाया जाता है ना। हाय रूहान, गुड मॉर्निंग। टाइम फॉर रूहान्स मील। ये है सूजी यानी कि रवा जो मैंने भून के हल्का सा पीस के इस तरीके से रखा हुआ है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आगे मैं किचन में, क्योंकि रूहान को बहुत जोर से भूख लगी है और सुबह का जो पहला उसका मील होता है वो मैं उसे सूजी और केले का जो शीरा है वो देती हूँ, क्योंकि वो बहुत खुशी से भी खाता है, उसके बाद उसको नींद भी बड़ी सुकून की आती है। सो वो मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हो कि रूहान का पूरा रूटीन बताओ, तो उस बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन इसके बाद पहले उसको भूख लगी है, मैं ये बना लूँ जल्दी से, खिला लूँ, फिर सुकून से बात करेंगे। थोड़े से घी में अच्छे तरीके से ये सूजी जो है रोस्ट कर लेंगे। एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ड्राई रोस्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है और ये केला मैश करके मैं इसमें इस तरीके से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए। और फिर इसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी थोड़ा सा पानी और ये पानी पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब तक उसे अच्छे से मैं कुक करती रहती हूँ और फिर मैं रूहान को सर्व करती हूँ। फाइनली इस केक की बारी आ गई। कितने दिनों बाद खाऊंगी मैं। हालांकि ये वो हेल्थ वाला नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में भी बोल रही थी कि सबा ने बहुत दिनों बाद कोई फरमाइश की है, क्योंकि ये लोग हमेशा आजकल झिझकते रहते हैं कि भाभी रूहान में बहुत उलझी रहती है तो हम तंग नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन इसने रेसिपी पूछी तो मुझे डाउट आया क्योंकि इसको बनाना बहुत पसंद है। और आपने ब्लॉग में देखा, हम लोग चायोस गए, वहाँ पे सामने रखा हुआ तो भी ओवर बिक चुका, तो बहुत दिनों से ये वाला खाने का मन। सही बना है, भाभी हमेशा जो बनाती है ना, ये हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भाभी का हाथ ही खाया। नेक्स्ट टाइम आओगे तो इसमें चॉकलेट वाला वर्जन खिलाऊंगी, वो भी मैंने बनाया था पर वो कल पूरा शोएब के शूट पे चला गया। नहीं अच्छा, मुझे ये शुरू से पसंद है। इसका फेवरेट ये है प्लेन वाला वॉलनट डाल के। बहुत अच्छा। चलो अभी रास्ते में, थैंक यू। हाँ लेके चले जाते। सबा चली गई है वापस और हम लोग आज बहुत दिनों बाद निकल गए हैं घूमी करने, है ना, बहुत दिनों बाद निकली हूँ। और ये मस्त नींद में है क्योंकि अभी जस्ट इसने अपना खाना खाया है तो आई एम श्योर ये थोड़ी देर में गुड नाइट होने वाला है, तो अच्छी बात है। लेकिन रास्ते में सो जाएगा तो वहाँ मॉल पहुँच के देन ही विल एंजॉय, अपने स्ट्रोलर में बड़े मजे करता है ये। सबा के लिए तो मैंने नॉर्मल बनाना ब्रेड बनाई थी वॉलनट वाली, ये हमारे लिए जो मैंने बनाई वो थी चोको वॉलनट बनाना ब्रेड और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए शूट की है। So, ये पहले भी मैंने मेंशन किया कि सबा को जो प्लेन वाला है वो ज्यादा पसंद आता है, हमेशा से उसे हमेशा वही पसंद रहता है, तो इससे मैंने उसके लिए वो बनवाया और मैंने हमारे लिए ये बनाया क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और जिस दिन बनाया
उसके अगले दिन मॉर्निंग, सॉरी मैं इसका फुल लोफ का शॉट नहीं ले पाई क्योंकि शोएब शूट पे निकल रहे थे, और रात भर जब भी आप ऐसे कोई केक बनाओ उसे रात भर रेस्ट करने देना चाहिए, ओनली देन यू शुड कट इट, तो वो नीटली कटता है वरना पूरा क्रम्बल हो जाएगा। तो सुबह वो लोग जल्दी निकल रहे थे, मैंने फटाफट काट के जो है ऑलमोस्ट पूरा केक मैंने उनको दे दिया रिहर्सल पे लेके जाने के लिए, और आज फिर से उनका शूट डे और वो गए हैं और अभी बस कुछ ही देर में उनका परफॉर्मेंस होने वाला है। सो आई होप, और आप भी प्रे कीजिएगा कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा जाए, हालांकि जब तक मैं ये लाइव करूंगी तब तक उनका परफॉर्मेंस हो चुका होगा, कोई बात नहीं, आप सबके प्रेयर्स उनके साथ हैं, आप सबकी गुड विशेस, दुआएं, इतना सारा प्यार उनके साथ है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और कल का जो एपिसोड था उसमें बताया गया कि मनीषा और वो जो है वो टॉप 2 कंटेस्टेंट्स है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, सो उसके लिए दिल से बहुत 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 थैंक यू और ढेर सारा प्यार आप सबको। लेकिन अभी और हफ्ते बचे हैं तो वोटिंग चालू रखनी है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, रेसिपी देखिए। सो बैक टू बेकिंग अगेन। एक्चुअली ना बहुत दिनों बाद उस दिन परसों सबा और मेरी बात हो रही थी, तो सबा ने फरमाइश की बहुत दिनों बाद, वो भी बेचारी ने डर डर के डायरेक्ट फरमाइश नहीं की, उसने मुझसे पूछा कि भाभी आप बनाना ब्रेड कैसे बनाते हो, एंड अगर आपकी रेसिपी है या कोई रेसिपी है जो आप फॉलो करते हो तो मुझे प्लीज वो भेज दो। तो मैंने भेज भी दिया, फिर मैं दिमाग में आया, मैं बोला तुझे खाने, तेरा मन है मैं बना दूं, तो उसने कहा कि हाँ टाइम होगा तो बना दो। एक्चुअली सबको पता है कि रूहान के साथ मेरा जो शेड्यूल है बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, इसलिए उसने डायरेक्ट नहीं बोला, तो मैंने बोला कि नहीं मैं टाइम निकाल के बना दूंगी, और मैं 2 दिन बाद इसीलिए बना रही हूँ। ये मैं आप सबको भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप बनाना केक ब्रेड कुछ भी बनाने का सोच रहे हो ना, तो आपको एक 2 दिन पहले की प्लानिंग लेके चलना होगा, या जब मन करे तो अपने मन को 2 दिन रुकाना पड़ेगा, क्योंकि बनाना तब तक फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा या आपका केक मॉइस्ट नहीं बनेगा जब तक बनाना थोड़े ओवर राइप ना हो। अभी भी मेरे जो बनाना है वो पूरी तरह से रेडी नहीं है, जैसे मैंने ये पेपर में रैप करके परसों मंगवाए थे, और पेपर में रैप करके मैंने ये अब ऑफ ओवन के अंदर ऑब्वियसली छोड़ दिए थे 2 दिन के लिए, तो इतने हुए हैं। बट अगर वो तो ना हमारे फेंकने पे, सॉरी, पर जब बहुत गल जाते हैं बनानास, कहने का मतलब ये है उस वक्त आपको केक बनाना चाहिए, तो बहुत ही अमेजिंग बनता है केक, मफिन जो भी। लेकिन फिलहाल मैंने ये सबा के लिए जो बैटर है वो कर दिया है रेडी बनाना ब्रेड का, और अब मैं इसे डाल दूंगी ओवन में, और मैं अपने लिए, अब मैं बना ही रही हूँ ऑब्वियसली तो मेरी भी नियत तो लगी जाएगी, तो मैं सबा को ये प्लेन वाली ब्रेड चाहिए थी, मैं अपने लिए आज चोको बनाना वॉलनट ब्रेड बनाने वाली हूँ, तो वो आपके साथ फटाफट शेयर की जाएगी, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मैंने अब तक शेयर नहीं की है। सो चलिए इसको पहले ओवन में डालते हैं, फिर वो वाली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ये है 1 कप एंड 3/4 कप मेजरिंग कप, आप जानते हैं मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ, तो उसमें जो आपका 1 कप होगा वो फुल एंड 3/4 कप ऑफ मैदा, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ओके, नॉट बेकिंग पाउडर। एंड नाउ टाइम टू ऐड 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर, जो बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं अनस्वीटेंड कोको पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, और इसे हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। और अब ना आप थोड़े से वॉलनट्स जो हैं उन्हें टोस्ट करके साइड में रख लेना, मैंने लगभग 2 मुट्ठी लिए हैं। चलिए नाउ टाइम फॉर वेट इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ मैंने लिया है बटर, मैंने सॉल्टेड बटर लिया है 125 ग्राम्स, और इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर, इस केक में ब्राउन शुगर यूज़ होती है, येस नॉट वाइट शुगर, ठीक है। अब हम लेंगे 2 eggs और उन्हें 1 by 1 हम इसमें डाल देंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, चाहे वो बटर हो चाहे वो एग हो, ओके ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम टू विप अच्छे से, ये जब तक एकदम क्रीमी मिक्सचर नहीं बन जाता है तब तक हम इसे विप करते रहेंगे। बोल में आसपास जो बैटर लगता रहेगा उसे इस तरीके से एक रबर स्पून से आप क्लियर करते रहिएगा। ये है हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी दैट वी हैव रीच्ड, बहुत ही अच्छा क्रीमी हो जाता है ये पूरा बैटर, एंड एटलीस्ट इसे 10 टू 15 मिनट्स लगते हैं। एंड नाउ टाइम टू ऐड मैश्ड बनानास, जो पहले ही आप मैश करके साइड में रख लीजिएगा, तो ये मैंने 4 बनानास लिए हैं जो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये ज़्यादा देर तक विप मत कीजिएगा, जस्ट लिटिल, जब तक पूरा एक साथ जो है घुल जाए।
चलिए अब विपिंग मशीन की कोई ज़रूरत नहीं, उसे आप हटा सकते हैं। अब ये जो ड्राई मिक्स हमने साइड में रखा था उसे हम पूरा का पूरा ऐड कर देंगे और इसे आप एक रबर स्पून या एक स्पैटुला या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे आप अच्छे तरीके से सिर्फ इस तरीके से मिक्स करते रह सकते हैं। धीरे 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 जो है पूरा बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। देखिए तो चलिए हमारा बैटर रेडी है। नहीं, अभी हमने इसमें डालने हैं वॉलनट्स, ये जो हमने सबसे पहले रोस्ट करके थोड़े से हैंड से तोड़ के रख लिए थे इसको हम इसमें डाल देंगे। फिर से हम इसको फोल्ड इन कर लेंगे एंड नाउ वी आर रेडी टू पुट इट इन द डिश। ओवन प्री हीट हो के रेडी है। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी थोड़े से चोको चिप्स और इसे डाल दूंगी बेक होने के लिए एट 180 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स, लेकिन हमें उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। सॉरी, लोफ का फोटो तो मैंने लिया नहीं। ये लीजिए, आप यहाँ से केक का जो है वो क्लोजर लुक ले लीजिए। इस तरीके से बहुत ही ब्यूटिफुली मेरा केक जो है प्रॉपर बेक हुआ है। ये देखिए अंदर का लुक। सो आ गए हैं हम लोग जियो मॉल और मुझे सबसे पहले रूहान को चेंज करना है। एंड जैसे मैंने और शोएब ने आपको कई बार बताया है कि जियो मॉल में फैमिली रूम है विच इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर यू नो इफ़ यू हैव अ स्मॉल बेबी और इफ़ यू आर अ नर्सिंग मदर, मतलब आप फीड करते हैं अपनी बेबी को, तो आपको वॉशरूम में नहीं लेके जाना पड़ता। तो इसलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि फैमिली रूम कहाँ है और कैसा है। ये है हम सेकेंड फ्लोर पे, मैं सेकेंड फ्लोर वाले फैमिली रूम पे जा रही हूँ और आप चाहें तो ग्राउंड फ्लोर पे भी एक फैमिली रूम है, बट ऑनेस्टली सेकेंड फ्लोर वाला इज़ अ लिटिल बेटर। सो ये देखिए जहाँ पे वॉशरूम है ना, आपको वहीं पे जाना है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ एंटर करेंगे राइट साइड पे ये देखिए ये पहला दरवाज़ा है। सो हियर यू गो, ये पूरा फैमिली रूम है आपके लिए। आप आराम से अपने बेबी को लेके जाइए। वहाँ पे एक सोफ़ा भी है, काउच भी है, आप वहाँ बैठ के फीड कर सकते हैं। वो डाइपर टेबल लगा हुआ है और यहाँ पे एक अटैच्ड वॉशरूम भी है आपको यूज़ करने के लिए। द ओनली इशू जो मैं पिछले कुछ टाइम से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, यहाँ पे म्यूज़िक बहुत लाउड होता है। चलिए फिर हम थोड़ा घूमें, हमें थोड़ी सी शॉपिंग की और ये देखिए यहाँ रूहान फुल ऑन मस्ती मूड में। हो गई हमारी शॉपिंग और अब हम आए हैं कुछ खाने को। तुम्हें बहुत भूख लगी और आज रूहान ने बहुत इन्जॉय किया। अभी तो फिलहाल वो सो गया है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। आज बड़ा खुश है, बहुत नींद आ रही थी, इसे जोर से आंखों में नींद आ रही थी, लेकिन तब भी उसने पूरा ऐसे ऐसे देखा है, रोया नहीं। एंड अभी जो है मस्त सो गया है। तो अभी मैं बैठ के कुछ खाऊंगी एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही मैं खाने बैठूंगी वैसे ये तंग करके मुझे देखेंगे। ये देखिए उठ गए, मैंने बोला था ना जैसे ही मेरा खाना आएगा वैसे ही रूहान उठ जाएगा, है ना रूहान, है ना रूहान, पुइंग पुइंग, है ना रूहान। आप भी टेस्ट ले रहे हो? अरे
रुहान खा रहा था अपना पपाया, लेकिन उसकी पूरी नियत जो है वो मेरे पुलाव में भी थी। यहाँ देखिए, ये देखिए, मैं बाइट लूँगी तो कितनी क्यूटली पूरा देखेगा। अब वहां चले गए, घूम घूम के खेल रहे हो। यस, माशाल्लाह, आज रुहान बहुत ही हैप्पी मूड में था। उसने बहुत इंजॉय किया मॉल में, बहुत मस्ती की, अच्छे से खाया, खेला, घूमा, तो हम सबको भी बहुत मज़ा आया उसके साथ। ऑब्वियसली वो खुश तो हम भी खुश। चलिए इसी नोट पे ये ब्लॉग एंड करती हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल गाइज़।